हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं केंद्र सरकार की एक योजना केविक KVIC के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि केविक क्या है। केविक का मतलब है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये देख रहे हैं आप, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा केविक यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत एक योजना हनी मिशन। जी हाँ, हनी मिशन, ये देख रहे हैं आप, हनी HONEY हनी मिशन यानी मधुपालन, ठीक है, हनी मिशन के बारे में, जिसके तहत आप बिजनेस करके महीने में लाखों कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप केंद्र सरकार के इस योजना के तहत हनी मिशन के लिए बिजनेस करते हैं तो इस योजना से आप महीने में लाखों कमा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि केविक क्या है और इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, आखिर ये योजना क्यों लॉन्च किया गया है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए आपको केविक के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, देख रहे हैं आप, kvic.gov.in kevikcares/about-kevik.php। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का वेबसाइट है। इस साइट को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में देखने के लिए आपको हिंदी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा वेबसाइट हिंदी में आ जाएगा। ये देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार। ये भारत सरकार का एक स्कीम है जिसके तहत आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि केंद्र सरकार के इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम आप देखेंगे, इसके अबाउट केविक में जाएंगे आप, तो ये देखिए मेन उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है, आयोग ने मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य निर्धारित किए हैं इस केविक आयोग ने, यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ये देख रहा है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसके लक्ष्य क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य। सबसे मेन उद्देश्य है इस योजना का रोजगार प्रदान करना। जो भी गांव घर में खेती में किसान या जो हमारे युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करने का एक उद्देश्य रखा है इस योजना ने। बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य, जी हाँ, जो भी वस्तुएं हैं जिसको हम बेच सकते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उससे हमें आर्थिक सहायता मिले, ठीक है। गुणवत्ता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना, जी हाँ, इस योजना का एक और उद्देश्य ये है कि आम जनता में जो भी इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं और जो इस बिजनेस में अपना निवेश करना चाहते हैं उसके लिए आत्मसम्मान का भावना पैदा करना है। तो इसके कार्य क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है, यहाँ से आपको कार्य पता चलेगा कि इस आयोग में कार्य क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों से संभावना स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाते हुए इससे संबंधित, ठीक है। तो खादी क्षेत्र में और अन्य ग्राम उद्योग हैं जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जैसे मत्स्य पालन, मछली हनी पालन, उससे रिलेटेड योजना बनाना है, इसका कार्य और सहायता देना है। यह देखिए, संगठित तथा कार्यान्वित करना, उस योजना को संगठित करना, उसके कार्य में लाना। इसके कार्यों के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग में लगे कारीगरों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन तथा उनमें सहयोगात्मक प्रयास की भावना उत्पन्न करने के अलावा उत्पादकों की आपूर्ति हेतु कच्चा माल एवं औजारों का संग्रह को बढ़ाना। जी हाँ, जो भी इस योजना के अंतर्गत बिजनेस करना चाहते हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनमें ये भावना जगाया जाएगा कि आप अपने उत्पाद को कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही उनको इस बिजनेस में लाए जाने वाले कच्चा माल और औजार जो भी हैं यानी इक्विपमेंट हैं उसको उसकी सहायता प्रदान करना है, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने, श्रम को कम करने एवं स्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने एवं अन्य ऐसे अनुसंधान से प्राप्त प्रमुख परिणामों के प्रचार की व्यवस्था करने की दृष्टि से गैर परंपरागत ऊर्जा एवं उद्यत ऊर्जा के
साथ खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्रों में उपयोग लाई जा रही उत्पादन तकनीकी औजारों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने एवं संवर्धित करने तथा इसमें संबंधित समस्याओं को अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के आयोग पर है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो भी आप पहले से जिस तरह से आप करते आ रहे हैं उसके अलावा टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए और नए नए जो इक्विपमेंट लॉन्च हो रहे हैं, नए नई एनर्जी जो आ रही है, विद्युत एनर्जी, उन सब का उपयोग करके आप अपने उद्योग को कैसे बढ़ा सकते हैं। आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु संस्थाओं तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा डिजाइन की आपूर्ति, जी हाँ, ये आपको फिनेंशियल मदद भी प्रदान करेगी। आपको कोई भी बिजनेस करना है उसके लिए सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। प्रोटोटाइप तथा अन्य तकनीकी से सूचना के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग की गतियों की क्रियता में आयोग उत्पाद की वास्तविक एवं गुणवत्ता मानक तथा मानक के अनुरूप उत्पादों की सुनिश्चित करता है। इसमें आपको ये देखता है कि आपका जो उत्पाद है वो गुणवत्ता के अकॉर्डिंग, यानी जो मानक ब्यूरो है हमारा जहाँ पे ये सारे क्वालिटी चेक होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप उत्पाद करें, इसकी भी वो पुष्टि करता है। आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु प्रमुख परियोजनाओं का अनुसंधान एवं तैयार करने के अलावा संबंधित खादी और अथवा ग्रामोद्योग की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य अभिकरणों के माध्यम से अध्ययन करता है। तो ये आपके बिजनेस को हर तरह से निगरानी करेगा और आपको तरह तरह के उपाय बताएगा, ट्रेनिंग देगा समय पे, और कोई भी कच्चा माल हो जो आपके बिजनेस में लगने वाला हो उसकी आपूर्ति भी करेगा। तो इस आयोग का मुख्य कार्य यही है। तो ये तो था हमारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, यानी सिविक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये आयोग करती क्या है और हमारे बिजनेस में किस तरह से सपोर्ट करती है और हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करती है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हनी मिशन, यानी जिसके तहत आप मधुमक्खी की खेती यानी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और उससे महीना में लाखों कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए आपको क्या क्या करना है। तो हनी मिशन के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, हनी मिशन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज ओपन होके आएगा, ये देखिए, ये दूसरा पेज है, हनी मिशन इंडिया स्वीट रिवॉल्यूशन, जी हाँ, जिसको इसने मोदी जी ने हमारा नाम दिया है स्वीट रिवॉल्यूशन का, ठीक है। इसके तहत हम आप देखेंगे कि आखिर हनी मिशन है क्या और इसके लिए क्या करना है और कैसे आवेदन कर सकते हैं और इससे क्या क्या फायदे होंगे हमें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कार्य योजना हनी क्लस्टर, आपको इस पे जाना है, इस पे क्लिक करना है राय पे। जैसे ही आप राय पे क्लिक करेंगे आपको ये दूसरा पेज ओपन होके आएगा, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आखिर हनी मिशन क्या है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं और इस हनी मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है हनी मिशन का, तो हम इसमें आपको संक्षेप में बता देते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं। हनी मिशन योजना खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजना है, जी हाँ, ये केवी की ही एक योजना है। इसके जरिए किसान और पैसा कमाने की चाह रखने वाले लोग रोजगार शुरू कर मोटी रकम कमा सकते हैं। इस योजना के जरिए आप चाहें तो मोटी रकम कमा सकते हैं। लोग हनी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन कर कमाई कर सकते हैं। अब ऐसी तकनीक आ गई है जिसके माध्यम से शहद निकालते समय मधुमक्खियां नहीं मरती। इससे न केवल किसान बल्कि बेरोजगार युवक भी बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं। तो इस मिशन को केवल किसान ही नहीं, बेरोजगार युवा भी हैं जो इस मिशन को रोजगार के तहत देख रहे हैं। तो इसमें आपको गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिलेगा वो देख लेते हैं। तो अगर आप इस स्कीम के तहत हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको कमीशन की ओर से 65% लोन दिया जाएगा। जी हाँ, हनी मिशन कमीशन की ओर से आपको 65% लोन दिया जाएगा और खादी ग्रामोद्योग आपको 25% सब्सिडी भी देते ही है, यानी आपको टोटल 10% ही पैसा लगाना पड़ेगा। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी देख लेते हैं क्या है। एन एडल्ट इन एज ग्रुप बिटवीन 18 years and 55 years एलिजिबल, जी हाँ, 18 से 55 वर्ष के उम्र के लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं। आधार कार्ड इज नेसेसरी एंड इट्स एब्सेंस वोटर आईडी फोटोग्राफ एंड राशन कार्ड कैन बी एक्सेप्टेड, जी हाँ, आधार कार्ड इसके लिए नेसेसरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी फोटोग्राफ के साथ या राशन कार्ड भी इसके साथ लगा सकते हैं। ओनली 1 person फ्रॉम ईच फैमिली विल बी एलिजिबल फॉर 10 बीज बॉक्सेज, जी हाँ, एक परिवार से एक लोग ही 10 बीज बॉक्सेज के लिए एलिजिबल होंगे। 10 बी बॉक्सेज, कॉलोनीज एंड टूल किट्स भी
वेल स्मोकर एंड हाइप टूल। तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट है वो आपको दिया जाएगा 10 बॉक्सेस के साथ। फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म इंसर्टेड कैंडिडेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आईए में अप्रोच द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टली एंड एडेड इंस्टीट्यूशन DAI, KVIP एंड NABARD इन्वॉल्व इन बिग कीपिंग और कंडक्टिंग द ट्रेनिंग इन बी कीपिंग एंड ऑल्सो अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेहरू युवा केंद्र संगठन SC ST माइनॉरिटी फिनांस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आर्म वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेट डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो इसके लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, अभी जो दिया हुआ यहाँ पे सारा लिस्ट आप यहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इसके रिलेटेड बिजनेस करना है और अगर आपको हनी बिजनेस करना है। तो ये देखिए डी में क्या लिखा हुआ है, न्यू कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन बी कीपिंग एक्टिविटी में ऑल्सो बी इन्वाइटेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स इन लोकल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम। जी हाँ, अगर नया कैंडिडेट है आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो वो भी इनवाइट किए जाएंगे। पर्सन ऑलरेडी ट्रेन इन बी कीपिंग बाई KVIP, यानी ये जो दिया हुआ है KVIP, KVIP, NABARD, KVK, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स एलिजिबल, बी कीपिंग NGOs, ETC आर ऑल्सो एलिजिबल। जो लोग भी इसके तहत ट्रेनिंग कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू फार्मर्स एंड बी कीपर्स, ये प्राथमिकता दी जाएगी किसानों को और जो पहले से खेती बी कीपर्स यानी जो पहले से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनको भी। पर्सन हु हैव अवेल्ड बेनिफिट फ्रॉम अदर गवर्नमेंट स्कीम फॉर द सेम पर्पस विल नॉट बी एलिजिबल, अगर आप सेम पर्पस के लिए दूसरा गवर्नमेंट स्कीम ले रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। यहाँ देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, 10 बी बॉक्सेज विद लाइव बी कॉलोनीज अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ टूल किट बी विल हाइप टूल स्मोकर नाइफ फॉर ईच बेनिफिशियरी इन क्लस्टर्स कंसिडर एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हार्ड इन्वेंशन। ये सारा कुछ आपको एक 10 बॉक्सेस के साथ दिया जाएगा। कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर ऑल इन्वेंशन हार्ड सॉफ्ट इन्वेंशंस ETC फॉर बी कीपिंग क्लस्टर 500 बेनिफिशियरी इज गिवन इन एन एक्स्ट्रा 2। तो यहाँ पे सारा कंडीशन दिया हुआ है कि आप कितना बॉक्स लेना चाहते हैं उसके लिए आपको कितना पैसा लगेगा। तो ये सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप ये डाउनलोड करके सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ आपको कि आखिर आप कितना इसमें अपना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। तो KVIP के मुताबिक आप 20,000 किलोग्राम सालाना शहद बनाने वाले प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस पर लगभग 24.5 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से आपको लगभग 16 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा जबकि मार्जिन मनी के रूप में 6.25 लाख रुपए मिल जाएंगे और आपको अपनी ओर से केवल 2,35,000 रुपए ही लगाने पड़ेंगे। जब आप 2,35,000 रुपए लगाएंगे तो इसके तहत देख भी लेते हैं कि आपको कितना कमाई होगा। तो KVIP का कहना है कि अगर आप सालाना 20,000 किलोग्राम शहद तैयार करते हैं जिसकी कीमत 250 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसमें से 4% वर्किंग लॉस को शामिल कर लिया जाए तो आपकी सालाना बिक्री लगभग 48 लाख रुपए होगी। इसमें से भी सभी खर्च को लगभग 34 लाख रुपए होगा उसको कम कर दिया जाए तो आपको साल में लगभग 13.5 लाख रुपए की आमदनी होगी। मतलब आप हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हम ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको फिर से वापस खादी और ग्रामोद्योग के वेबसाइट पर जाना होगा। तो हम उस वेबसाइट पर चलते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए हम इस वेबसाइट पर वापस आ गए। यहाँ पे आपको एक दिखेगा ऑप्शन ख ग्रा आ ऑनलाइन, यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक दूसरा पेज ओपन होके आएगा। ये देखिए ये पेज ओपन होके आया, इसमें क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू एक्सेस द एप्लीकेशन। ये बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए हुए हैं जो सभी सेवाओं के लिए है जो भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए ये इतने सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बट हमें क्या करना है कि हमें मधुपालन के लिए अप्लाई करना है। तो हम यहाँ से ये देखेंगे, यहाँ पे एक है PMEGP ई पोर्टल, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आएगा। ये देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का एक फॉर्म ओपन होके आया। इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आधार कार्ड नंबर, तो पहले वाले में आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, 12 डिजिट का नंबर है वो जो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका नाम डालना है, यहाँ से
स्पॉन्सिंग एजेंसी यानी केविक के द्वारा ही आप मधुपालन कर सकते हैं, या फिर ये बहुत सारे एजेंसी हैं जिसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से केविक सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट के हैं, और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड ऑफिस या किस ऑफिस में आपको आप ये चाहते हैं वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लीगल टाइप में इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद करना चाहते हैं इसको। जेंडर में आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं या फीमेल। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी अगर कोई है तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां से अपना क्वालिफिकेशन डालना है, इसके बाद यहां पे आपको एड्रेस डालना है, उसके बाद यहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और पैन कार्ड का नंबर डालना है। यहां पे आपको सेलेक्ट करना है यूनिट लोकेशन, यानी रूरल में चाहते हैं या फिर अर्बन क्षेत्र, ग्रामीण एरिया या फिर शहरी एरिया। यहां पे आपको प्रपोज यूनिट एड्रेस डालना है, आप ये यूनिट कहां लगाना चाहते हैं वहां का एड्रेस डालना है आपको यहां पे। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि जहाँ का एड्रेस आपने कम्युनिकेशन के लिए दिया है वही एड्रेस इसमें भी आ जाए, तो आपको इस पर कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस यहाँ से क्लिक कर देना है, तो ये सेम एड्रेस आपको इसमें आ जाएगा। टाइप ऑफ एक्टिविटी में आपको सेलेक्ट करना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या फिर सेल्स करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्टिविटी नेम देना है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना है कि आप किस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग आपको चाहिए कि नहीं वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे, यस और नो। उसके बाद ईटीपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है वो आपको बताना है कि आप कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से आपको बैंक का डिटेल डालना है ना। यहाँ से आपको जो भी बैंक है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अल्टरनेटिव फाइनेंशियल बैंक यानी एक दूसरा बैंक का डिटेल डालना है, यहाँ से अल्टरनेट करके है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे उसका ब्रांच कोड और जो भी है आईएफएससी कोड ये डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हियर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एनी इन्फॉर्मेशन टू बी फाउंड इनकरेक्ट, फॉल्स, रॉन्ग, सेल, आई बी लायबल फॉर सुटेबल एक्शन। अगर आपका इन्फॉर्मेशन गलत होता है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये आपको सिलेक्ट करके यहाँ से सेव एप्लीकेंट डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एप्लीकेशन डेटा करेंगे, उसके बाद आफ्टर सेव एप्लीकेशन डाटा यहाँ लिखा हुआ है You need to upload documents for final submission of application. Final submission of application के लिए आपको कुछ document upload करना है। जैसे आप सेव applicant पे जाएंगे तो आपको कुछ documents के नाम आएंगे। After final submission of application, applicant ID and password will be sent to your register mobile number. जैसे आप final submission करेंगे तो आपके पास इसका user ID and password आ जाएगा, जहां से आप check कर पाएंगे कि आपके application का status क्या है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।